आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे से। अभी कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। रितु के पापा की आज ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए आज मैं लेट नाश्ता बना रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही उठे, बस 8:30 बजे करीब चाय पानी पी दिया उन्होंने। रितु भी उठ चुका है, रितु भी अपने पापा के साथ बैठा है। तो मैंने कहा चलो, अब वो लोग उठ गए हैं, मुँह हाथ धुल रहे हैं, तो मैं भी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मूली के पराठे, जो कल मैं मंडी से मूलियाँ लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो आज पराठे बना देती हूँ, छुट्टी है तो टाइम भी लगेगा, तो टाइम भी लग जाएगा अगर तो टाइम पे, मतलब आज छुट्टी में पराठे भी खा लेंगे। तो ये जो मैंने पराठों की स्टफिंग है मूली वाली, वो मैंने सुबह ही बना दी थी, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 6:30 बजे। मैंने सारा काम निपटा दिया, क्योंकि छुट्टी के दिन अगर लेट उठो ना तो फिर पूरा दिन ही आलस में निकल जाता है, इसलिए मैंने कहा टाइम पे उठ जाती हूँ। और इधर मैं कर रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने का तैयारी, मतलब महंगे हो रहे थे उसके बाद भी देखो ना, शौक टमाटर की चटनी खा रहे हैं हम लोग। चलो फटाफट से चटनी की बना देती हूँ, उसके बाद फटाफट आटा गूंदा मैं पराठे बनाऊँगी। तो मैंने अभी पराठा बनाना शुरू कर दिया है, और ये बन रहा है मेरा अभी पराठा। अभी 2 बना दिए मैंने, रितु के पापा को दे दिए, तो वो नाश्ता कर रहे हैं, और देखती हूँ अभी खाए कि नहीं खाए, और पूछती हूँ कि इधर कर रहे रितु के पापा नाश्ता, कैसा बन रखा है ये। तुम कभी अच्छा भी बोलते हो मेरे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आज टमाटर की चटनी भी बना रखी, प्याज वाली, इसमें सारी चीजें नहीं थी। टमाटर टमाटर शौक लग गया। अरे ये ना, इसमें धनिया भी चाहिए था, हरा मिर्च भी चाहिए थी, और वो भी चाहिए था, वो था नहीं कुछ। और हमारा रिद्धु भी खा रहा था। कैसे हो रहा है, खाया इसने? अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा, ना बोल रहा। देखो तुम्हें देखे ना बोल रहा है, तू भी अपने पापा ही जैसा बोलने लग गया। अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, गंदा बच्चा कहीं का। तो ये लोग तो अभी अंदर खा रहे हैं, तो इनको खाने देते हैं उसके बाद। तब तक मैं बाकी बना देती हूँ, और जैसे जैसे चाहिए होगा उनको वो फिर मेरे को आवाज़ दे देंगे और मैं दे दूँगी। अभी हम लोग का नाश्ता हो गया था, अभी के काफ़ी टाइम पहले हो गया था हम लोग का नाश्ता। और तब से तो मैंने सारा काम घूम करके बैठे हुए थे, हम लोग मूवी देख रहे थे। और आज जैसे कि मैंने बताया था, सुबह रिद्धि के पापा की ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कहीं घूमने निकलते हैं। तो नौटियाल भाई और के घर जाएंगे हम सबसे पहले। तो नौटियाल भाई वही जो हम जिनके साथ लास्ट टाइम गए थे क्लिफ्ट में घूमने, तो आज हम उन्हीं के घर जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हैं घूमने के लिए। रितु के पापा, रितु तो बाहर चले गए, तो चलो तब तक मैं पहले लॉक लुक लगा दूँगी, उसके बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो मैंने घर पे लॉक लगा दिया है, इधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ संडे को सत्संग होता है, संडे को बहुत सारे लोग आते हैं। चलो चलते हैं। तो हम लोग घर से निकल गए हैं, और अब यहाँ शॉप पे रुके हुए हैं, क्योंकि रितु के पापा उधर एटीएम में गए हुए हैं, कैश निकाल रहे हो थोड़ा। और ये देखो शैतान, रिदू आज कहाँ जा रहे हो? बुआ पर। गाइस को बताओ कौन सी बुआ के घर जा रहे हो? अनु दीदी कौन बोलता है? पापा। हाँ पापा। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, मैंने कहा किसके घर जा रहे हो, बोल रहे बुआ के, मैंने कहा कौन सा बोल रहा है, अनु दीदी के घर पर। अनु दीदी बोल रहा है। हाँ कसम से, क्या किसके घर जा रहे हो अभी तुम देखना। अनु दीदी के घर बताओ। नहीं रिद्धु, रिद्धु के पापा आ गए अभी। चलो अब चलते हैं सीधा दीदी और के घर पे। तो हम लोग पहुंच गए अभी नौटियाल भैया के घर पे, और रिद्धु के पापा गाड़ी पीछे अभी लगा रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। हेलो गाइस, हाय लो गाइस, मेरा नमस्ते। यहाँ पैकिंग हो रही है, यहाँ तो पैकिंग भी हो रही है पूरी। हम तो सोच रहे थे हम मान ले खाना खुना बनाया हुआ होगा यहाँ। हेलो बोले बच्ची
हेलो गाइस, बोले आपने मुझे उठा दिया। कितनी खुश हो रही है। मैं कायू, ये पहचान तो नहीं रही है? अरे वो ऐसी खुश होती है लोगों को। मैं कायू हूँ, हंसने में तो मजा आता है उसको। मैं कायू हूँ गाइस। ये तो बुल्ली, बुल्ली को पा कर दो, प्यारी प्यारी कर दो। अरे मुझे बच्चा, ये बाप रे, चल हट जा। बेइज्जती कर दी तेरी। ये तो भूली है, भूली भूली। अभी हम लोग दीदी और के घर से निकल गए हैं घूमने के लिए, तो चलो रितु चलते हैं घूमने। अरे कुछ नहीं हो, तो हम लोग चले गए हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? निकल गए मसूरी। कहाँ जा रहे? प्रॉपर मसूरी। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग निकल गए हैं घर से, दीदी और के घर से, और कायू को हम छोड़ने के बोल सुलाने की तैयारी है। तो अभी हम लोग दीदी और के घर से निकल गए, और दीदी कायू को सुलाने की कोशिश कर रही है, और हमारा रितु पीछे हो जा, यारी पीछे हो जा। हाँ मतलब आप दोनों के घर से निकल गए, भैया के घर से और दीदी के घर से, दंपति नौटियाल, मिस्टर एंड मिसेस नौटियाल के घर से। तो अब जो हम लोग जा रहे हैं मशहूरी, मेरी बेटी को इंट्रोड्यूस करा दिया ना? यस यस यस, पिछले लास्ट टाइम में करवा दिया था। कायू नौटियाल। तो फिर तो अब हम लोग निकलेंगे मसूरी के लिए, जो हमको भैया घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं आज, तो देखते हैं। हाँ आप ही लेके जा रहे हो। आपके वो क्या बोलते हैं, आपने उनको फोन किया ना? उससे सौजन्य से भैया, ये यात्रा वही है आज हमारी, यात्रा सफल होगी आपके सौजन्य से। सौभाग्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ सफर करने का। तो चलो अभी चलते हैं, और ये है कायू की फर्स्ट ट्रिप। कायू, ये है कायू की फर्स्ट ट्रिप, है ना? मसूरी, है ना? हैप्पी बर्थडे। और इसको देखो, ये तो बिल्कुल हीरो बन गया, दिखाओ। तो आज अभी फिलहाल हमारे ड्राइवर हैं रितु के पापा। तो भैया का कुछ रहेंगे। अभी हम लोग निकल गए हैं मसूरी रोड पे, और पहले हम लोग करेंगे लंच। तो हम लोग आ गए लंच के लिए मसूरी रोड पे, उद्दीपी कैफे है यहाँ पे। और आज तो भैया भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। यार मुझे व्लॉगिंग करना, आप फॉलो कर लेना, पहले मुझे करना फिर इसको करना फॉलो। और आज रुक जा भाई, मुझे नहीं कर रहा है। हम लोग आ गए अभी उद्यपी में लंच करने के लिए। पहले सबसे पहले कायू का खाना खिलाएंगे, तब तक हम लोग ऑर्डर करते हैं। आपको क्या चाहिए? खाना खाना चाहिए? चार थाली। बॉल खानी है? बॉल ना। और यहाँ पे हमारी कायू खा रही है अपना लंच, खिचड़ी। और इसका मन मुंह बन रहा है, मतलब ये इसको मन नहीं है खाने का। पहले इसलिए खिला रहे ताकि हमारी खाली ना चाहिए, पेट पहले ही भर जाएगा ना। चूड़ी तो नहीं खाओगे आप? कायू की मम्मी कायू को खाना खिलाते हुए। बिल्ली है, बिल्ला है क्या? तो मैं क्यों देखा? और हमारे जब ये था ना छोटा, इसको ना बेटी बोलते थे, बताइए बेटी है कि? भैया खाना कहाँ गया? अरे मेरी क्या चाहिए? फाइनली हमारा खाना आ गया। हम लोगों ने किया है ऑर्डर पूरी, इसके बाद में की है रोटी, इसमें मिली है दालें और हलवा। क्या है कच्चा? वो भी करके
डर गई। अरे एक्चुअली वो आ गया ना, अभी हम लोग पूछ निधि से खाना कैसा लगा आपको। खाना बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा था हमें लगा पाइनएप्पल जो कायू ने भी थोड़ा सा खाया। हम लोग मेले उधर पी सी ले गए थे क्योंकि हमने लास्ट टाइम हम हलवा खाने के लिए बताओ हमने थाली मंगाई, वही तो मतलब हमको वहाँ पे पता नहीं था कि अलग से मिल जाते हैं। हलवा पसंद इतना आया कि हम लोग ने सोचा इस बार लंच हम वही करेंगे, पाइनएप्पल हलवा के। पाइनएप्पल हलवा तो चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए, और आज हम लोग मसूरी नाइट स्टे करेंगे सोच रहे हैं। चलो अभी तो जाम भी नहीं मिल रखा हमको, देखते हैं कब तक कहाँ तक रोड साफ रहे। रितु इतना परेशान कर रहा है तो हमने इसे आगे चाचू के पास दे दिया है। रितु आप आज घूमने कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो आज घूमने? वो वहाँ पे मसूरी बोलो। हम लोग पहुंच गए हैं मसूरी में और यहाँ पूरा कोहरा लगा हुआ है। देहरादून का हमें धूप थी, नीचे तो देहरादून में धूप भी दिख रही है, वहाँ नीचे साइड कोहरा तो यही दिख रहा है। तो हम लोग पहुंच गए अभी अपने होटल पे जहाँ हम लोग ने नाइट स्टे करना है। रितु क्या कर रहे हो दी? रितु खायो आपको, विष्णु ताऊ जी ने खाया आपको, ताऊ जी ने खाया आपको, तुम्हें चिढ़ा रहा है वो। नो रितु इतना ठंडा नहीं है वैसे ना अभी, हाँ मतलब ऊपर होगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल में और ये लोग तो अंदर रूम्स देखने चले गए हैं। इसका बैकयार्ड है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, अभी तो पूरा कोहरा लगा हुआ, धुंध लगी हुई है तो इस वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। और ये हमारी कायू है, कह रही है कहाँ लेके आए हो मम्मा मुझे आज आप लोग, कायू आउटिंग में आए हो है ना, आप ऐसे बोल रहे हो ना, ये बड़ी सीरियस होके देख रही है। और देखो तो ये भैया ने रूम खोल दिया यहाँ पे से, तो जो रूम है कुछ ऐसा है। अरे हमारा पर्सनल बनाने के फार्म हाउस टाइप, ये कट करेंगे आप इसे। तो हमारा जो रूम है कुछ ऐसा है, वो तो कैटल ही है ना, तो ये कुछ ऐसा है हमारा रूम। तो अभी पूरा कोहरा लग गया इधर, तो अभी हम पूछेंगे नेगी जी से कि कैसा लगा आपको होटल, तो बताइए अपने। नो यूट्यूबर, रितु आपको होटल कैसा लगा, होटल का रूम कैसा लगा? तो ये लोग देहरादून से यहाँ सिर्फ वॉक करने आए हुए हैं, ये देखो तो ये अभी पूरा कोहरा लग गया है। और हम लोग को यहाँ पे पार्किंग भी मिल गई है, और तो यहाँ पे होटल में हमको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमको यहाँ पे पार्किंग भी अच्छी खासी मिल गई है। और एक और बात कि मतलब हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर में माल रोड साइड मसूरी घूमने जाएंगे, तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को यहीं पार करके यहाँ से हमें वैन माल रोड छोड़ेगी, और जब हम लोग घूम फिर लेंगे 10-11 बजे तक भी, रात 11 बजे तक भी हम माल रोड से वो हमें पिक करेगी और हमें होटल के रूम में छोड़ देगी। चलो अभी सब अंदर बैठे हुए हैं तो हम भी अंदर बैठते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में घूमने जाएंगे। मैं गुस्सा हो रहा था भाई। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे रूम पे, और ये देखो हमारी कायू ये यहाँ पे खेल रही है। कायू आपको पसंद आया रूम, रूम पसंद आया आपको? वो खुश हो रही है, मतलब इसको पसंद आया रूम है ना, हमारे कायू को पसंद आया ना रूम। ओ मेरा बच्चा खुश हो रहा है।
जब तक गए नहीं तब तक सारा कल तक जाने तक सारा काम तमाम करके जाना। कायू कायू किसके गोद पे बैठी है? 101 का रितु अंदर चलो। आया था वो लॉन में आया था शायद। हाँ रितु नहीं उसको बंद कर देंगे बाथरूम में। शैतानी करेगा तो बाथरूम बंद कर देंगे। रितु इधर आओ वॉश करने। ठीक है रितु आ जाओ वॉश करने आओ। चलो आप क्या खेल रहे हो? आपको क्या खेलना है? क्या देखना है आपको? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है आपको? आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना? हम लोग अभी यहाँ पे पी रहे हैं शाम की चाय। चाय पत्ती है अभी हम लोग की शाम की चाय भी हो गई है और दीदी और भी अभी अपने रूम में है। थोड़ा फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। दीदी के पापा यहीं पे लेटे हुए हैं और ये हमारा रितु इधर उधर घूमने पे लगा हुआ है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे मसूरी के लिए, माल रोड के लिए घूमने के लिए। शाम को बाहर बहुत कोहरा लगा हुआ है अभी। तो यहाँ अभी कोहरे की वैसे हल्का फुल्का ठंडा है, वैसे इतना ठंडा है नहीं। और अपने रूम का टूर तो मैंने आपको दे ही दिया है। तो चलो देखते हैं थोड़ी देर में कब तक हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।